मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है वो इस साल कोर्स में नहीं दिया गया है, अर्थात एग्जाम में वो नहीं आएगा। तो हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 को नहीं करेंगे। इसके बाद हम सीधे चैप्टर नंबर 5 उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके जो चैप्टर नंबर 5 का नाम है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, अर्थात पैर के निशान पैरों के बिना, पैरों के बिना पैरों के निशान। ये एक बहुत मिस्ट्री वाली स्टोरी है, इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब आर्थर, तो इसके ऑथर है H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इनका जो जन्म हुआ था वो सितंबर 21, 1866, बॉम्बे इंग्लैंड यूके के हैं, और इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1946। इन 1895 वेल्स बिकम अ ओवरनाइट लिटरेरी सेंसेशन विद द पब्लिकेशन ऑफ द नॉवेल द टाइम मशीन। द बुक वॉज अबाउट एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु डेवलप अ टाइम ट्रेवल मशीन। ही पब्लिश द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेव 1896, द इनविजिबल मैन 1897, एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड 1898। द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेव टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ मैन हु एनकाउंटर्स अ साइंटिस्ट कंडक्टिंग द गेरसम एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स क्रिएटिंग न्यू स्पीशीज ऑफ क्रीचर्स। इन द इनविजिबल मैन वेल्स एक्सप्लोरर्स द लाइफ ऑफ अनदर साइंटिस्ट हु अंडरगोज अ डार्क पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रनिंग हिमसेल्फ इनविजिबल। अब यहाँ पर जो H.G. वेल्स जो राइटर है वो बहुत रातों रात क्या हो गए, फेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने जो नॉवेल लिखा था, उपन्यास लिखा था, उसका नाम था द टाइम मशीन। अर्थात टाइम मशीन के बारे में इन्होंने एक पूरा नॉवेल लिखा हुआ था जिसमें ट्रेवल करता है वो व्यक्ति टाइम मशीन के थ्रू। इसके कारण वो बहुत फेमस हो गए थे। उनकी और रचनाएं थी द आइसलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेव, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इनके कारण H.G. वेल्स जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे साहित्य जगत में। और इनविजिबल मैन के बारे में ये जो स्टोरी है इसको हम आगे समझेंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फिट। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन, एंड वेयर वॉज द मैन। अब यहाँ पर जो दो लड़के जो थे वो सरप्राइज थे, यानी बहुत आश्चर्यचकित थे कि उनको एक मडी इम्प्रिंट मतलब कीचड़ वाले, कीचड़ वाले पैर जो कीचड़ में लग जाता है, पैरों में कीचड़ चलने के बाद कैसे इम्प्रिंट बनते हैं, इम्प्रेशन जो बनते हैं, तो वो एक मतलब बेयर फिट यानी नंगे पैरों पर जो कीचड़ के इम्प्रेशन बने उनको ये दो लड़के देखते हुए जा रहे हैं कि लगातार कीचड़ पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। और स्टेप्स ऑफ अ हाउस, घर की सीढ़ियों के वहां पर, इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के किसी मध्य क्षेत्र की घटना है। वो सोचते हैं एंड द मैन, सिर्फ कीचड़ के भरे पैरों के निशान बनते जा रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो वो व्यक्ति कौन है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, अ फ्रेश फुट मार्क सेपरेटेड फ्रॉम नोवेयर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि दो बच्चे जब देखते हैं कि अचानक से कीचड़ भरे पैर के निशान बनते जा रहे हैं, वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं, गेज दे यानी ध्यान से देखते हैं कि उनकी आंखों में भी ये दृश्य अंकित हो जाता है कि ये वाले जो फ्रेश फुटमार्क जो बन रहे हैं, जो ताजे पैरों के निशान बन रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा कौतूहल हो जाता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. Boys followed, fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared altogether. ये बच्चे जैसे ही इन पैरों के निशानों को देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, तो वो स्टेप से नीचे उतरते हुए रोड पर आते हैं और वहां पर धीरे धीरे जैसे पैरों का कीचड़ खत्म होता है
पैर निशान दिखना भी बंद हो जाते हैं। वो धीरे धीरे फेंटर फेंटर धूमिल धूमिल होते हुए लास्ट में डिसअपियर हो जाते हैं, यानी विलुप्त तो हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द विवाइल्डेड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू टेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब इसके जो रहस्य, जो बच्चों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रहस्य है, वो बिल्कुल सिंपल था, बहुत सरल था। क्या था? द विवाइल्डर, विवाइल्डर यानी कंफ्यूज। बच्चे क्या हो गए थे, किसी बिना किसी व्यक्ति को देखे पैरों के निशान को देख करके कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हो रहा है, ये निशान कैसे बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उन्होंने उनको ये नहीं पता पाया था कि जो एक व्यक्ति है जिसके ये निशान बने हैं वो कौन है, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, जिसने क्या खोज की है, जिसने किस चीज के लिए डिस्कवर किया है कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, यानी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, ऐसी उसने एक दवाई विकसित कर ली थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब ये जो साइंटिस्ट था वो कौन था, ये साइंटिस्ट था ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने कई प्रयोगों के बाद प्रयोग करते करते उसने एक ऐसा फॉर्मूला विकसित किया जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी हो जाए, इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाए। फाइनली ही सॉल्वड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, थ्रो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। अब यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट था उसने बहुत ही दुर्लभ दवाइयाँ खाई, रेयर यानी दुर्लभ दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ खा खा करके उसने क्या किया, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को कैसा कर लिया, ट्रांसपेरेंट कर लिया। कैसे ट्रांसपेरेंट, शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि एक कांच की परत रहती है, कांच रहता है जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उसकी तरह कर लिया। लेकिन फिर भी वो कैसी थी, सॉलिड थी, कैसी थी, सॉलिड थी, बिल्कुल किसी ग्लास की तरह ही सॉलिड थी, यानी बॉडी की अपीयरेंस तो थी लेकिन बॉडी के आर पार मतलब दिखता था ग्लास दिखाई देती थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो द ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब यहाँ बता रहे कि ये जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था वो कैसा था, ब्रिलियंट था, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति था जिसने इतने अच्छे फॉर्मूले विकसित किए थे, लेकिन इसके बाद भी लॉलेस यानी नियम विरुद्ध कार्य करता था। कैसा था वो, नियम विरुद्ध कार्य किया करता था, मतलब जो उचित नहीं था उसके विरुद्ध कार्य किया करता था। इस कारण लॉर्ड उसका जो मालिक था, जिस घर में वो रहता था, उसको नापसंद करता था, पसंद ही नहीं करता था, और मालिक चाहता था कि वो ग्रिफिन को बाहर निकाल दे, एग्जैक्ट यानी घर से बाहर कर दे। इसलिए क्या करता है, रिवेंज यानी बदले में, इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, जैसे ही लैंडलॉर्ड उसको घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश करता तो ग्रिफिन बदले में क्या करता है, उस पूरे घर को क्या लगा देता है, आग लगा देता है, पूरे घर में उसके आग लगा देता है, और पकड़े न जाए इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार करके और उस घर से बाहर निकल जाता, होमलेस यानी आवारा हो जाता है, अनिकेतन हो जाता है, बिना घर के घूमने लगता है। तो कैसे, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, और क्वाइट इनविजिबल, और कैसा हो जाता है, इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके पैरों में क्या लग जाता है, मड यानी कीचड़ लग जाता है, और ये वही कीचड़ के निशान रहते हैं जो बच्चों को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मींस ओवर। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes.
Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब यहाँ पर जिस समय ग्रिफिन ने ये फैसला लेता है इनविजिबल होने के लिए, वो बच्चों की नजरों से तो बच जाता है, वो बच्चों की नजरों से बहुत अच्छे से बच जाता है और लंदन में बाहर आ जाता है, लेकिन उसका ये जो एडवेंचर था ये खत्म नहीं होता, बहुत फायदेमंद में नहीं रहता, क्योंकि उसने गलत समय चुना रहता है। गलत समय क्यों चुना रहता है? क्योंकि लंदन में उस समय ठंड का समय रहता है और लंदन में जो ठंड पड़ती है वो बहुत बुरी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहां पर द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा रहती है वो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, और उसको बिना कपड़ों के रहना था, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेगा तो क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, तो इनविजिबल रहने के लिए उसको बिना कपड़ों के रहना था। तो आप सोच सकते हैं कि कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के उसके क्या हाल हो रहे होंगे। इसलिए वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, इसलिए अच्छा वो सोचता है कि गलियों में यहाँ वहां भटकने के बजाय मैं क्या करूं, किसी लंदन के किसी बड़े स्टोर में चला जाऊं जहां मुझे कुछ गर्मी या वॉर्म्थ मिल सके। तो क्या करता है वो आगे, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर वाज शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लोथ, सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। अब क्या होता है, जब ये किसी लंदन के बड़े स्टोर के अंदर घुस जाता है और उस समय क्या होता है, स्टोर बंद होने का टाइम हो जाता है, और जैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं स्टोर के, ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन सारे बॉक्सेस को जहां पर कपड़ों के बॉक्स रखे रहते हैं तो उन सबको क्या करता है, खोलता है और उसमें से अपने जो फिट होने वाले कपड़े रहते हैं ओवरकोट और ये सब निकाल करके पहन लेता है, और शूज पहन लेता है, एक ओवरकोट पहन लेता है, एक बड़ा चौड़ा सा हैट लगा लेता है, और वो पूरी तरह से ड्रेस्ड हो जाता है और एक विजिबल पर्सन बन जाता है। तो सबसे पहले उसको जो ठंड लगती रहती है इसलिए वो कपड़े पहन करके अपनी ठंड को मिटाता है। देन सेकंड, उसके बाद उसको भूख लगती है तो वो किचन, रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और वहां पर क्या निकालता है, मील निकालता है, खाने कोल्ड मीट लेता है और कॉफी पीता है। उसके बाद वो कुछ मीठा खाता है और वाइन लेता है ग्रोसरी स्टोर से, और इसके बाद जब वो खा पी करके अच्छा निश्चिंत हो जाता है तो पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी रजाइयों का जहाँ बहुत बड़ा ढेर लगा रहता है वहां के ग्रिफिन क्या होता है, सो जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता तो क्या होता है, सब चीज सही उसके हिसाब से चलती रहती, लेकिन क्या होता है, ग्रिफिन इतना थक चुका होता है कि उसकी नींद बहुत लग जाती है और वो बहुत देर तक सोता रहता है। तो क्या होता है, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो तब तक सोता रहता है जब तक कि उस स्टोर के जो असिस्टेंट सहायक कर्मचारी हैं वो सब आ जाते हैं अगली सुबह। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, और जैसे ही वो देखते हैं, जब ग्रिफिन की नींद खुलती है उन लोगों के आने के कारण, तो वो देखता है कि कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। जैसे देखता कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब असिस्टेंट देखते हैं कि उनकी दुकान में कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी घुसा है तो वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो भागने लगता है। दे नेचुरली गेव चेस, और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर भागता है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, और वो बचने के लिए क्या करता है, तुरंत ही जल्दी जल्दी जितने कपड़े पहने रहता है उस सारे कपड़े जो नए कपड़े हैं उन सबको फेंक देता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक बार फिर से वो अपने पूरे कपड़े उतार के फेंक देता है और पूरी तरह से न्यूड होकर के क्या होता है, उस ठंडी जनवरी की बहुत ठंडी कड़कड़ाती ठंड में एक बार फिर से ठंड में सिकुड़ने को मजबूर हो जाता है, उसको फिर से दोबारा बहुत तेज ठंड लगने लगती है, लेकिन उसकी मजबूरी रहती है कि यदि वो कपड़े पहनेगा तो विजिबल हो जाएगा, इसलिए इनविजिबल होने के लिए उसको अपने सारे कपड़े फेंकने पड़ते हैं।
This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. अब यहाँ पर वो decide करता है कि इस ठंड में तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो कहाँ जाए, किसी थिएटर वाली कंपनी की वहां पर जाए ताकि वो कुछ कपड़े पा सके, कुछ चेहरे को छुपाने के लिए कुछ चीजें ऐसी पा सके, कुछ ऐसे प्रॉप्स पा सके जिससे कि वो अपने चेहरे को छुपा सके, क्योंकि जब ये इनविजिबल रहता है तो कोट पहनने के बाद में, ये कोट वगैरह जब वो पहन लेता है उसके बाद और हैट लगाने के बाद उसका इतना हिस्सा जो रहता है वो इनविजिबल रहता है, तो इस हिस्से को कवर्ड करने के लिए वो चाहता है कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो कि उसके शोल्डर के ऊपर की ये जो खाली स्पेस है इसको वो ढक सके। और ठंड से जब वो कांपता रहता है तो वो कहाँ जाता है, ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन लंदन की एक फेमस स्ट्रीट है जहां पर जितने भी रंगमंच या थिएटर वर्ल्ड का जो भी सामान है वहां पर मिल जाता है। तो वो कहाँ जाना डिसाइड करता है, ड्रूरी लेन पे जाना डिसाइड करता है। Soon found a suitable shop और वहां जाकर के उसे एक अपने पसंदीदा दुकान मिल जाती है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whisker and a large head. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him All the money he could find. अब यहाँ पर देखो बच्चों, जब वो इस प्रकार से थिएटर ड्यूरी लेन वाले एक शॉप पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के इनविजिबल रहता है, तो सीढ़ियों के ऊपर जाकर के वो क्या जो जो उसको पहनना रहता है, जैसे उसके लिए ओवरकोट रहता है, कपड़े लेता है, इसके बाद वो बैंडेजेस बांधता है अपने फेस पर, एक फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगाता है, बड़े काले रंग के चश्मे पहनता है और बिग बुशी साइड विस्कर, यहाँ पे बिग बुशी साइड विस्कर लगाता है ताकि इसके आसपास का हिस्सा भी ना दिख पाए, और एक लार्ज हैट और एक बड़ा सा हैट पहन लेता है। वो चाहता है कि कोई मुझे ना देखे, तो उसके कारण क्या करता है, जो दुकान का जो मालिक रहता है, जो शॉपकीपर रहता है, उसको बहुत क्रूरता पूर्वक मारता है और वहां पर रॉब करता है। रॉब करते हुए चोरी करता है, क्या करता है, जितना पैसा उस दुकान के अंदर रहता है वो सारा का सारा पैसा लूट करके भाग लेता है। तो बच्चों आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि आगे ग्रिफिन क्या करता है।